हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड योर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो ये हमारा डे 6 होने वाला है हमारे 30 डे कोडिंग चैलेंज का। अगर आपको ये नहीं पता 30 डे कोडिंग चैलेंज क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जून वाले मंथ के लिए 30 डे का कोडिंग चैलेंज लिया है, जिसके अंदर अपन कंप्लीट नोड जेएस को कवर करने वाले हैं 30 डे के लिए। ओके, 30 डे के अंदर अपन कंप्लीट नोड जेएस को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट वाले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि लास्ट वाले वीडियो में अपन क्या किए थे, सर्वर क्रिएट करना सीखे थे, किस तरीके से अपन नोड जेएस के अंदर सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले उसी सर्वर को यूज करते हुए किस तरीके से अपन जेसन डेटा या अपने इंडेक्स.html फाइल सर्व करवा सकते हैं क्लाइंट को। तो ये सब चीज अपन इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5,66,000। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5,66,000 प्लेसमेंट हो जाता है, तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट उसके बाद न्यूटन स्कूल को पेमेंट। तो बस गाइस, यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हमारे आज के वीडियो टॉपिक पर, जिसमें अपन क्या करने वाले, एक सर्वर क्रिएट करके किस तरीके से जो हमारा क्लाइंट होने वाला है उसको अपन हमारी एचटीएमएल फाइल या जेसन डेटा उसको सर्व करवा सके। तो ये सब चीज अपन डिटेल में देखने वाले। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वीएस कोड एडिटर में। तो यहाँ पर मैं आज को अपने वीएस कोड एडिटर में, तो यहाँ पे मैंने डे 5 तक चीजें कर रखी है। जैसे हमारा एक वीक कंप्लीट होगा, इसका कंप्लीट सोर्स कोड मैं आपको अपने गिटहब पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डे 6 के अंदर मैं आता हूँ, एक सिंपल सा index.js फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, index.js। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्वर क्रिएट करके फाइल को सर्व करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक सर्वर को क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है सर्वर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अलग से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, बस इतना के। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एचटीटीपी मॉड्यूल की हेल्प से अपन क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे अपन सर्वर क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर करता हूँ सबसे पहले हमारे मॉड्यूल को। तो यहाँ पे इसको कॉन्स्ट नहीं करना, कॉन्स्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से करना होगा। अब मैं यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लेता हूँ मेरे एचटीटीपी मॉड्यूल को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एचटीटीपी मॉड्यूल का यूज करते हुए पहले मेरे को सर्वर क्रिएट करना होगा। ठीक, वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, एचटीटीपी डॉट, इसके अंदर हमारा मेथड होता है क्रिएट सर्वर। अब ये क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन ले रहा होगा। जब जब हमारे क्लाइंट सुबह हमारे पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट रिसीव होगी, तब तब ये हमारा कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट लेगा, इसके बाद हमारे पास होने वाला रेस्पॉन्स। ओके, और अब इसके बाद हमें क्या डिफाइन करना होगा, हमें बनाना होगा एक रेस्पॉन्स हेडर, हमें क्रिएट करना होगा। तो वो मैं किस तरीके से क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल राइट हेड इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं ये चीज़ें क्यों और कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको स्टेटस कोड ऐड करना। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कंटेंट टाइप यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप में आपको एचटीएमएल ऐड करना होगा। ठीक है, टेक्स्ट एचटीएमएल। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे डे 5 के अंदर, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ index.js में, यहाँ पे आपको प्लेन करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से कर दिया था, तो आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इस तरीके से आपको प्लेन करना है इसको। ओके, अब मैं वापस इसको तो क्लोज करता हूँ और वापस मेरे यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो कंटेंट टाइप में क्या होगा, आपका टेक्स्ट और एचटीएमएल होने वाला इस तरीके से। ओके, अब ये आपने ये वाली चीज़ तो बना ली है, अब आपको क्या करना होगा, आपको index.html फाइल सर्व करनी है ना, वो आप किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अपन किस तरीके से हमारी index.html फाइल होने वाली है वो अपन यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने एक index.html फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, index.html। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं इसको पोर्ट पर लिसन भी करवाने वाला हूँ ना, तो पहले मैं एक index.html फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको डिलीट करके, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ अभी, और एक index.html फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, index.html। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक html का बॉइलरप्लेट कोड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, डॉक्यूमेंट, और एक h1 हेडिंग के अंदर यहाँ पे मैं हेलो गगन यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं वापस मेरे यहाँ पे आता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको लिसन कर रहा हूँ किस पोर्ट पे, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिसन करवा लेता हूँ 3000 पोर्ट पे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका पोर्ट नंबर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो पहले से बिजी नहीं होना चाहिए, मतलब इस पे कोई आपका रिएक्ट एप्लीकेशन या बाकी चीज़ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको एक एरर देखने को मिल सकता है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने राइट हेड तो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसके बाद अब मेरे को, मैंने आपको फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में बताया था, उसका अपन यहाँ पे यूज करने वाले। तो सबसे पहले मैं अपन क्या करने वाला हूँ, फाइल सिस्टम जो होने वाला है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। उसके लिए मेरे को सिंपल रिक्वायर, और जो मेरा फाइल सिस्टम है इस तरीके से मैं उसको रिक्वायर करने वाला हूँ। ओके,
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रीड फाइल करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वहां पर किस तरीके से करूंगा, तो यहाँ पे मैं करूंगा सिंपल fs डॉट रीड फाइल, ठीक है, रीड फाइल। और यहाँ पे मैं सिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली वे में करने वाला हूँ, ओके। अब इसके बाद आपको फाइल का नेम देना होगा, तो फाइल का पाथ देना होगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे मेरा होने वाला इंडेक्स डॉट html फाइल का नेम। और इसके बाद आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एक हमारे पास क्या आएगा, कॉलबैक फंक्शन आएगा। तो कॉलबैक फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा डेटा, सॉरी एरर, और इसके बाद डेटा। अगर कोई भी एरर आती है, अगर ये हमारी फाइल अवेलेबल नहीं होगी तो हमें एरर थ्रो करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐड कर देता हूँ, इफ अगर हमारे पास कोई एरर आती है तो सिंपल आप क्या कीजिए, एक एरर मेरे को यहाँ पे थ्रो कर दीजिए, ठीक है, थ्रो एरर। और नहीं तो मेरे पास एक मेरे को सिंपल रेस्पॉन्स में मैं क्या कीजिए, मेरा रेस्पॉन्स डॉट एंड कर दीजिए। और इसके अंदर मेरे पास क्या भेज दीजिए, जो मेरा डेटा होने वाला है। तो डेटा कौन सा होगा, जो अपन यहाँ पे मेरे इस फाइल के अंदर रीड होके आने वाला है, ओके, जो मेरे इंडेक्स और टेस्टिमल फाइल होने वाली है, वो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से डेटा होने वाला है, ओके। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, किस तरीके से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पे इसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब इसको मैं रन करवाने वाला हूँ, तो लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे डे 6 के अंदर यहाँ पे मेरे को सीडी करना होगा, मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले सीडी करता हूँ डे 6 के लिए, डे 6 इस तरीके से। और अब जो मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है ना, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, उसको मैं यहाँ पर रन करवाने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं इसको रन करवाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अभी मेरे को कोई भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब मेरे को पोर्ट नंबर पे जाना होगा, लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ मेरे लोकल होस्ट 3000 पे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो मैंने फाइल क्रिएट की थी ना, उसके रेस्पॉन्स में मेरे पास इस तरीके से हेलो गगन आ गया है। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को यहाँ पे सर्व करवा सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था रेस्पॉन्स डॉट एंड के बारे में और रेस्पॉन्स डॉट राइट के बारे में। तो रेस्पॉन्स डॉट राइट से अपन क्या कर सकते हैं, अपन मल्टीपल रेस्पॉन्स को भेज सकते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स डॉट एंड की हेल्प से सिंपल यहाँ पे रेस्पॉन्स ये भेजते ही हमारा सर्वर का क्या हो जाएगा, काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसको क्लोज कर देगा, ओके। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, अपन देख चुके हैं कि किस तरीके से एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को सर्व करवा सकते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि इसको मैं पूरी को कमेंट आउट कर देता हूं यहां से, जो मेरा फाइल रीड किया है इसको। अब यहां पे देखने वाले हैं कि जो हमारे पास जेसन डेटा जो होने वाला है ना, नहीं आप, मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूं यहां पे, ठीक है। मैं एक अलग सी चीज यहां पे मैं बना लूंगा, तो यहां से मैं इस पूरे को HTTP सर्वर को यहां से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, ओके। अब मैं यहां पे जेसन डेटा को सर्व करके आपको मैं बताने वाला हूं, तो जल्दी से मैं यहां पे एक HTTP.create सर्वर इस तरीके से कर लेता हूं। तो अगर आप यहां पे बार बार यहां पे चीज़ें करोगे तो आपके पास भी अच्छी तरीके से इसका पकड़ हो जाएगा इस पर रेस्पॉन्स, ओके। और इसके बाद यहाँ पे बात होने वाला कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे होने वाला डॉट लिसन, पोर्ट नंबर पर अपन लिसन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3000 यहाँ पे ऐड करना होगा। और इसके बाद हमें रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड को। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन एक चीज़ इसमें ये होने वाली है कि हमें यहाँ पे कंटेंट टाइप को चेंज करना होगा, ठीक है। अब कंटेंट टाइप क्या होने वाला है, अपन जेसन भेजने वाले हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश यहाँ पे जेसन ऐड करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे मेरा कंटेंट टाइप जो होने वाला है उसकी जगह यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ओके। अब अपन एक जेसन डेटा क्रिएट करने वाले हैं, उस डेटा जेसन डेटा जो होगा उसको अपन यहाँ पे भेजने वाले हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक यहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट एक जेसन डेटा करके, ठीक है, जेसन डेटा। और इसके अंदर जो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने पहले से एक डेमो जेसन डेटा ऐड कर रखा है, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरा जेसन डेटा हो गया। अब क्या करेंगे, इस जेसन डेटा को अपन भेजने वाले हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पे सिंपल क्या यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल रेस्पॉन्स डॉट एक कंसोल डॉट ऐड कर देते हैं यहाँ पे सिंपल कि सर्वर इज रनिंग, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सर्वर रनिंग नहीं, रनिंग, ठीक है, रनिंग यहाँ पे मेरे को ऐड करना होगा, सर्वर रनिंग, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल रेस्पॉन्स डॉट एंड करने वाला हूँ यहाँ पे, रेस्पॉन्स डॉट एंड इस तरीके से, सॉरी रेस्पॉन्स डॉट एंड। अब इसके अंदर जो हमारा जेसन डेटा था ना, उसको अपन स्ट्रिंग फाइल में कन्वर्ट करके इसके तरीके से भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल, ओके। और इसके अंदर जो हमारा होने वाला जेसन डेटा, वो मेरे पास इस तरीके से जेसन डेटा, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया किस तरीके से अपन इस जेसन डेटा को भेज सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इस फाइल को थोड़ा सा जूम इस तरीके से कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अपन यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक क्रिएट सर्वर किए HTTP मॉड्यूल की हेल्प से। यहाँ पे मैंने राइट हैंड इसको डिफाइन किया, कंटेंट टाइप आपको एप्लीकेशन जेसन इस तरीके से करना है। फिर मैंने यहाँ पे एक जेसन डेटा यहाँ पे क्रिएट किया है, ओके। और यहाँ पे सर्वर रनिंग, और इस पोर्ट पे अपन इसको लिसन करवा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको क्लोज करता हूँ, और वापस मेरे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे इस पे एंटर हिट करता हूँ, मेरे एंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास पहले क्या आ रहा था, एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आ रही थी। अब मेरे पास क्या आ रहा है,
जो मैंने जेसन डेटा उसमें मैंने सर्व करने की कोशिश की है वो मेरे पास इस तरीके से कंप्लीट आ चुका है। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से अपन यहाँ पे HTTP मॉड्यूल की हेल्प से क्या करने वाले हैं, किस तरीके से सर्वर को बना सकते हैं। सर्वर को बनाने के बाद अपन जो हमारी स्टेटिक फाइल है, स्टेटिक फाइल में हमारी क्या होगी इंडेक्स जो टेस्ट HTML फाइल या हमारी जेसन डेटा उसको अपन सर्वर करवा सकते हैं। तो आई होप आपको आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ये हमारा बेसिकली कौन सा डे था, हमारा डे 6 था। तो डे 6 में अपन यहाँ पे 3-4 चीज़ अपन अच्छी तरीके से देख चुके हैं, किस तरीके से सर्वर क्रिएट करें, किस तरीके से HTML को सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से अपन जेसन डेटा को सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो बेसिकली हमारा होगा डे 6। तो बेसिकली हमारा 30 डे का कोडिंग चैलेंज चल रहा है, आने वाले वीडियोस होने वाला हमारे डे 7 पे। तो आपको हर एक दिन क्या मिलेगा, Node.js के कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे डे 7 में, तब तक के लिए बाय।